तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना कस्टम मॉडम लगाना चाहते हैं, जैसे कि साइबर टेक का या नेट लिंक का या फिर टीपी लिंक का, तो आप लगा नहीं सकते एयरटेल ब्रॉडबैंड पे। वो क्यों नहीं लगा सकते, वो आप एयरटेल इंजीनियर बताएंगे। ये मॉडम चेंज हो सकता है, वही मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, मॉडम जो चेंज होगा, आप अपना कोई लेके आए क्या मॉडम अपना? हाँ, तो आपका देखिए मॉडम तो नहीं चेंज होगा। मॉडम देखिए, प्राइमरी तो हमारा ही मॉडम रहेगा, जैसा मैंने उस दिन भी बताया था आपको। प्राइमरी क्योंकि क्या है ना, हमारा जो मॉडम होता है, इसके सारे सीरियल नंबर, मैक मैक आईडी, जब तक अगर एयरटेल के पास अपडेट नहीं हुआ तब तक आपका इंटरनेट चलेगा नहीं। जो हमारा मॉडम, जो हमारा राउटर लगा हुआ है, उसके सीरियल नंबर और मैक आईडी जो है वो एयरटेल के पास रजिस्टर है, इसलिए इंटरनेट तो हमारे ही मॉडम में चलेगा। अगर आपको कोई दूसरा मॉडम यूज करना है तो उसे लैन के थ्रू कनेक्ट करके सेकेंडरी में यूज कर सकते हैं आप। अब अच्छा सेकेंडरी में यूज करेंगे तो आप अगर उस जो आपने नया राउटर लगाया उसकी आईपी खोलेंगे तो सीधे हमारे मॉडम की आईपी खुलेगी। अगर उसकी आईपी अगर आपको खोलनी है तो हमारे मॉडम से लैन केबल हटा के आप खोल सकते हो। आप खोलेंगे तभी आपको उस राउटर का लॉगिन पेज खुलेगा, क्योंकि जो कनेक्टिविटी इंटरनेट की होगी वो हमारे राउटर के थ्रू होगी। ओके ओके क्योंकि जानते हैं क्या, हमारी जीपॉन टेक्नोलॉजी होती है ना, जब तक उसके सीरियल आईडी और मैक नंबर नहीं होगा तब तक नहीं चेंज हो पाएगा। अच्छा, हाँ, ये पंगा हो जाता है ना हमारे। इसीलिए तो ये एयरटेल के राउटर इसलिए कहीं और नहीं लगते हैं, और हाँ, कहीं और के राउटर एयरटेल में नहीं लग सकते हैं। बहुत सिक्योरिटी होती है ना यहाँ पे। लोकल इंटरनेट वाले तो कोई भी राउटर लगा देंगे। तो उन्होंने ये बताया कि जो इनके मॉडम है इनके खुद के ही लगेंगे, हमारे तो लग नहीं सकते, क्योंकि वही है इनके जो मॉडम पे वो जो सीरियल नंबर वगैरह वो है, तो उनका ही वो लगेगा, उनके सर्वर में वैसे वो ऐड होता है। मैंने ये अपना खुद का ये मॉडम ट्राई करने की कोशिश की थी सेटअप, तो उसमें क्या हुआ था, जो जीपॉन रजिस्ट्रेशन होता है, जो जीपॉन की पॉन की जो लाइट होती है वो ब्लिंक हो रही थी, वो स्टेबल नहीं हो रही थी। और मैंने उसमें राउटर के मॉडेम के पिन पेज में देखा था, तो कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन पे आ रहा था वो। फिर जाके मैंने इसको, मैंने क्या बोलते हैं, जियो में कनेक्ट करके देखा है, तो जियो की जो पॉन लाइट है वो तो स्टेबल होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जियो में कनेक्ट कैसे करते हैं इसको, क्योंकि या तो ये यूज़र नेम पासवर्ड पड़ता है ब्रॉडबैंड का, या फिर ये कौन सा क्या आईपी यूज़ करते हैं, ये मुझे मिला नहीं है जियो के राउटर पे। तो यही है, एयरटेल में अपना खुद का अगर मॉडम लगाना चाहते हैं तो वो लगाना मुश्किल है, या तो नामुमकिन ही है, समझिए। रिक्वेस्ट करके एक बार पूछ भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली आपको ना ही मिलेगा जवाब। तो ठीक है, इतना ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।